नमस्कार आदाब, मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार जो अपराधी हैं वो पुलिस के इकबाल को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला मुरादाबाद के कोतवाली इलाके से सामने आया है, जहां पर मंडी चौक स्थित मुंशी गली में एक पीतल व्यापारी के घर दो अज्ञात बदमाश घुस जाते हैं और महिला को बंधक बनाकर उसके घर से 60,000 रुपये की नकदी, सोना और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो जाते हैं। घटना आज शाम दिन दहाड़े 5 बजे की बताई जा रही है, जब नवेद अली नाम के एक जो पीतल व्यापारी हैं वो अपने किसी काम से गए हुए थे और उनकी जो पत्नी हैं और स्टूडेंट जो एक बच्ची उनके यहाँ पढ़ने आई थी वो घर में अकेले थे, तभी दो बदमाश घर में एंट्री करते हैं और उनका एक्सक्यूज़ बहाना इस तरीके से होता है कि वो चेक बुक डिलीवर करने आए हैं। फिलहाल महिला दरवाज़ा खोल देती है और वो दरवाजे के अंदर एंटर करने के बाद महिला को धक्का देते हैं और कपड़ा अपने फेस पर बांध लेते हैं, जिससे उनकी शिनाख्त न हो पाए। फिलहाल घर में एंट्री करने के बाद महिला को बंधक बनाते हैं और बंधक बनाने के बाद ऊपर कमरे में ले जाते हैं और ये कहते हैं कि जो घर में नकदी और जेवर है वो हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। फिलहाल डरी सहमी और घबराई महिला वो 60,000 रुपये नकद और जो भी घर में सोने चांदी के आभूषण होते हैं वो उन जो बदमाश होते हैं उनके हवाले कर देती है और बदमाश उन्हें लेकर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। महिला अपने शौहर जो पीतल व्यापारी हैं नवेद अली को फ़ोन करती हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन करती है, सीसीटीवी के आधार पर मामले का जल्द खुलासा करने की बात करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये आता है कि घनी आबादी के अंदर दिन दहाड़े बदमाशों का घर में एंटर करने के बाद इस तरह से घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल को चुनौती ज़रूर है। फिलहाल पुलिस इस मामले का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। उधर पीड़ित दुखी है, परेशान है, चूंकि एक भारी भरकम रकम उसके यहाँ से गई है, सोने चांदी के आभूषण गए हैं। फिलहाल देखना है, दिलचस्प होगा कि कब तक पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। मुरादाबाद पुलिस भले ही लोगों की सुरक्षा के लाख दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही देखने को मिल रही है। जनपद में हत्या और लूट जैसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। ताजा मामला कोतवाली थाना इलाके से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक घर में घुसकर तमंचे के बल पर दो अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस घटना के बाद से लोग अपने घर का दरवाजा खोलने से कतरा रहे हैं। उधर पुलिस जल्द लुटेरों को पकड़ने का दावा कर रही है। पीतल व्यापारी नावेद अली के मुताबिक उनकी पत्नी घर पर अकेली थी। इस बीच शाम करीब 5:45 बजे दो लोगों ने घर के दरवाजे की घंटी बजाई और कहा कि आपका चेक आया है, जिसमें उनकी पत्नी ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला दोनों युवकों ने उन्हें जोर से धक्का देकर घर से गिरा दिया और चेहरे पर नकाब उड़ा लिया। साथ ही घर में महिला से ट्यूशन पढ़ने आई बच्ची और महिला के सिर पर तमंचा तानकर घर से करीब 60,000 की नकदी, जेवर जिनमें हार, झुमके, कान की बाली, अंगूठी समेत कई अन्य जेवरात उड़ा ले गए। वहीं जाते वक्त महिला के सिर पर वार किया, साथ ही धक्का देकर घर का दरवाजा लगाकर फरार हो गए। किसी तरह डरी सहमी महिला ने घटना की जानकारी अपने पति को दी, जिसके बाद पति नावेद जल्दी से घर पहुंचे। तब तक आसपास के लोग भी घर के बाहर जमा हो गए। नावेद ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से जांच चल रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दो लोग आए, बैल बजाई, इन्होंने बोले कि वो चेक बुक आई है, तो हमारी बीवी ने ऊपर से देखा, फिर नीचे आ गए, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही इन्हें धक्का दे के अंदर से अंदर घुस गया। दो लोग थे वो ऊपर को ले गया, उन्होंने बोले बता चाबी कहाँ, नहीं तो तुझे मार देंगे। सिर में एक तमंचे से मारा भी हल गया, तो वो सब लूट लाट के ले गए। जाते जाते भी कह गया बोले अब तो ये मार देंगे अगर तू ना बात निकाली तो। उस टाइम घर में कौन कौन था? वो हमारी बीवी थी और एक लड़की पढ़ने आती है। अच्छा, तो क्या नकदी भी ले गए हैं, जेवर भी ले गए हैं। कितनी नकदी होगी? नकदी 65,000 रुपये। जेवर का भी अंदाज़ा नहीं है, चीज़ें हैं वो अलग अलग, कितनी चीज़ें हैं वो पता है।
भाई एक हार है बड़ा, झुमकियाँ हैं, बालियाँ हैं, अंगूठियाँ हैं, झूमर है, कलाई है, ये सभी चीज़ें ले गए वो। ये किस टाइम की घटना होगी? ये 5:45 की दिन दहाड़े घर में घुस के उसको मारा और बोले तो ये जान से मार देंगे अगर तूने चाबी नहीं बताई तो। उसने चाबी बताई, वो लूट के चले गए। कितनी देर में ये 10 मिनट के अंदर अंदर, 5-10 मिनट के अंदर। क्या आपके घर के पास सीसीटीवी? सीसीटीवी कैमरे हैं? हैं घर के बाहर, हमारे घर के बाहर नहीं है, गली में है। दोनों साइड है। क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया है? क्या हुआ पुलिस है? पुलिस कह रहे हैं कि देखते हैं अभी। FIR दे दी आपने? हाँ अभी तो लिख कर ले गए हैं वो। क्या आपको बताया गया, घर में से बताया कि पहचान हुई इनमें से किसी की? पहचान नहीं, वो अंदर को आते ही धक्का दिया और एकदम से मुंह ढक लिया उन्होंने अपना। अच्छा, नकाब पोछते थे? हाँ नकाब पोछते हैं, बाहर तो नकाब नहीं थी, अंदर आते ही उन्होंने नकाब लगाई। किस चीज़ से वार किया उनके साथ? ये पता नहीं, कोई चीज़ थी उनके हाथ में, तमंचा था या कुछ भी था। अच्छा, तो चाकू तमंचा लेकर आए थे शायद?